टाटा मोटर्स बताइए क्या व्यू रहेगा यहाँ पर, और दूसरा IRCTC क्या सजेशन है दोनों शेयर्स में? दीपाली जी, IRCTC कल मैं क्लोजिंग शो में भी बोला था कि इट हैड गॉन इनटू बैन। सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब बैन में कोई स्टॉक चला जाता है थोड़ा करेक्शन आ जाता है। अभी टिल द टाइम इट इज नॉट आउट ऑफ द बैन, वी कैन नॉट एंटर ए फ्रेश पोजिशन। सो एज ऑफ नाउ वी कैन अवॉइड दिस। रिगार्डिंग द टाटा मोटर्स थिंग दैट आप जो पूछ रहे थे, आई थिंक टाटा मोटर्स में 300 में एक अच्छा कॉल राइटर्स का स्ट्राइक प्राइस में अच्छा कॉल राइटिंग था, उसमें अनवाइंडिंग दिखने को मिल रहा है। अगर हम टाटा मोटर्स में देख रहे हैं कि ये 304-5 के लेवल पे क्लोज दे रहे हैं, हम 298 का स्टॉप लॉस लेकर हम देख सकते हैं कि 4-5 रुपए का काइंड ऑफ रैली देख सकते हैं इसमें। बट ये कॉल राइटर्स को भी इतना सस्ते में इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट हैज टू क्लोज अवर 305 लेवल टू हैव सम अपवर्ड ट्रैक्शन। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग दिस टू स्टॉक्स। ठीक है, तो ये टाटा मोटर्स पे व्यू है, हालांकि दिन के ऊपरी सिरों के आसपास ही होल्ड करने ही कर रहा है कोशिश। अच्छा, आपने भी कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया है क्या फ्यूचर्स में ऐसे? हाँ दीपल जी, मैं नैम इंडिया को देख रहा था। आई थिंक नैम इंडिया को हम अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है और उसमें बाय करेंगे 400 438 437, मैं बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी दैट माइट बी देयर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 435। मुझे लगता है कि नैम इंडिया में वो अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी बाकी है। वी विल सी अ लेवल ऑफ 450 एंड अबव इन नैम इंडिया। काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप है लॉन्ग साइड में। मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज कर लेता है, मुझे लगता है कि नाम इंडिया में जो रैली हम कल देखे थे वो फिर रिज्यूम होते लगेगा। तो नाम इंडिया को हम ले सकते हैं, और अगर कोई इसको ऑप्शन में लेना चाहते हैं तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हैं अराउंड 14-15 रुपीज के लेवल पे। 12 रुपए का स्टॉप लॉस, आई थिंक हमें ये 24 रुपए का टारगेट दिख सकता है नाम इंडिया में। ठीक है, और नाम इंडिया आप देखिए मोमेंटम इसमें अभी, हालांकि अगर आप दिन के ऊपरी स्तरों से देखें तो थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। इसीलिए जैसे कि असित ने बताया, आप एक एंट्री ले सकते हैं 438 के आसपास, अगर ये मिलता है तब आप स्टॉप लॉस रखिए 435 का, 450 का टारगेट, और आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी खरीदारी की तरफ रख सकते हैं। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स पर एक व्यू ले लेते हैं। FMCG स्पेस में एक्शन काफी है, एक बार नेस्ले को देखिए और अपना राय दीजिए क्या करना चाहिए। ऑलरेडी डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो वो क्या करें, और डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? दीपाली जी, नेस्ले में स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। FMCG हैज गिवन ए ब्रेकआउट। मैं अभी इमीडिएटली इसको नहीं लूंगा, अगर 20,200-150 के लेवल तक आते हैं वहां पे ले सकते हैं, नहीं तो ये 20,500 का क्रॉस करने दीजिए। उसके बाद मुझे लगता है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन रहेगा टुवर्ड्स अनदर 400-500 पॉइंट्स। जिस हिसाब से हम डेटा देख रहे हैं, मतलब 20,500 में थोड़ा कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, थोड़ा वीकिश मार्केट में FMCG स्पेशली नेस्ले इज डूइंग वेल। बट अभी नहीं लेके थोड़ा नीचे आएगा तो लेना बेटर रहेगा विथ 20,000 एज ए स्टॉप लॉस। नहीं तो ये 20,500 क्रॉस करता है तो फिर पोजिशनली हम देख सकते हैं 400-500 पॉइंट के रैली हमें मिल सकता है। अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इट विल नॉट बी दैट फेवरेबल। ठीक है, तो यहां पर नई एंट्री नहीं लेनी है, अगर खरीदारी की पोजीशंस है तो होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक काफी स्ट्रांग मोमेंटम दिखा चुका है, तो इन स्तरों पर एंट्री करने की सलाह नहीं है। अच्छा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस पर अपनी सलाह दीजिए। लगातार तीसरा सेशन है स्टॉक का तेजी का, अगर आप देखेंगे तो 125 के आसपास इसने चलना शुरू किया था, 135 रुपए यह कर रहा है ट्रेड अभी। क्या सजेशन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नई खरीदारी के हिसाब से? अगर ये 135 के लेवल के ऊपर क्लोज देता है, मुझे लगता है कि अच्छा अट्रैक्शन रहेगा इसमें। बट दर्शकों को ये भी सलाह रहना चाहिए कि अवेयरनेस रहना चाहिए कि इसका लॉट साइज काफी ज्यादा है, और ये स्टॉक ऐसा रहता है कि एक दो दिन चलता है फिर इट गोज इन ए पॉज मोड। सो जो मोमेंटम रहेगा तभी उसको लेना ठीक रहेगा। इसको मेरे हिसाब से इसको अभी अवॉइड करना बेटर रहेगा रादर देन टेकिंग इट। अगर सेकेंड हाफ में ट्रैक्शन रहेगा एंड इट इज गिविंग ए क्लोज अबव 135, मुझे लगता है कि 140 के लेवल हम देख सकते हैं इसमें, और 140 के ऊपर इसमें बहुत ज्यादा रैली रहेगा। बट अभी थोड़ा इस 135 से 140 के बीच में ये कंसोलिडेट कर सकता है अभी। ठीक है,
लेकिन 140 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है, अगर 135 के ऊपर टिकेगा और ये स्टॉक चलेगा। अच्छा, अभी हमने असित नेस्ले का जिक्र किया था, लेकिन एफएमसीजी में आज खरीदारी है। नेस्ले के अलावा आईटीसी, मैरिको, कोलगेट, यहाँ भी खरीदारी का मोमेंटम दिख रहा है। मैरिको पर स्पेशली अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक पिछले आधे घंटे में स्पेशली इसमें मोमेंटम तेजी का और बना है, और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड, 571 के हैं मौजूदा लेवल्स। एक बार मैरिको के डेटा और चार्ट्स देखिए और बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी। I think they will, मैं इस एक सेकंड जस्ट प्राइस में दीपल जी, मैरिको अगर ये 570 के ऊपर देता है तो मुझे लगता है कि ये 15-20 पॉइंट के रैली हमें दिख सकता है। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लॉन्ग बिल्ट अप देखने को मिल रहा है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा नहीं है, बट जिस हिसाब से कॉल बैरियर है अराउंड 570 के लेवल पे, अभी ये 572-25 में चल रहा है। अगर ये 570 के ऊपर रहता है, क्लोज देता है, या जैसे 574 तक जाता है, आई थिंक इसको 568-569 का स्टॉपलॉस देकर हम इसको देख सकते हैं फॉर टुवर्ड्स अराउंड 585। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है या थोड़ा कूल ऑफ होने लगता है, दिस माइट एक्चुअली कम डाउन, बिकॉज ये 570 में काफी अच्छा कॉल लेटर्स बिल्ट अप है, सो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट के मूड के हिसाब से डिपेंड करेगा, अगर मार्केट ने सपोर्ट किया और 570-71 के ऊपर ये टिका तो मोमेंटम दिखा सकता है। अच्छा, क्विकली आपके सामने हीट मैप लेकर आते हैं। हीट मैप के मैं आपको दिखाएंगे कौन से स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन है। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, हीट मैप के शेयर्स तो देखेंगे, साथ ही असित की ओर से क्या है आज का सस्ता ऑप्शन वो भी बताएंगे। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब जान लेते हैं आज का सस्ता ऑप्शन जो कराएगा आपकी कमाई। बताइए सिद्ध, क्या है आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी? दीपल जी, मैं कैंपिनो का 650 का कॉल देख रहा हूँ। आई थिंक राइट नाउ ये 26-27 रुपए में चल रहा है, इसको थोड़ा हम रिट्रेस कर सकते हैं बिकॉज मार्केट में एक्सपायरी है वॉट एवर। अगर इसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 24 रुपए में, आई थिंक जिस हिसाब से इसका वीकली चार्ट फॉर्म हुआ है, जिस हिसाब से इसका वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है, कैनफिन होम्स का दिस कॉल विल गिव अस डिसेंट ट्रैक्शन टूअर्स में भी अराउंड 35-40। इवन इफ आज इसमें इतना मोमेंटम नहीं है, बट इसका वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये 700 के लेवल तक भी जा सकता है, बट ठीक है अभी कमिंग वीक में मुझे लगता है कि 650-660 तक ये जा सकता है। ए वेरी टाइट स्टॉप लॉस 24 रुपए में एंड इनिशियल टारगेट कुड बी अराउंड 35। तो कैनफिन होम्स हम देख सकते हैं फॉर कमिंग 1-2 डेज काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो अगले 1-2 दिनों के हिसाब से ट्रेड है 650 का कॉल ऑप्शन, जो अभी 29.80 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इसको आप इनफैक्ट अभी अभी इसे मोमेंट ये बनता हुआ दिखा है, पहले 25-26 रुपए के आसपास था, यहाँ पर 35 रुपए के लाइकली टारगेट्स के लिए आप खरीद सकते हैं, 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कैनफिन होम्स पर। हालांकि अगर आप स्टॉक को देखेंगे फ्यूचर्स में तो फिलहाल बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन अगले 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रैटेजी रहेगी असित की ओर से। शुक्रिया असित आपका आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए, शुक्रिया आपका। लेकिन ब्रेक में जाएं हम